वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे का दिन और दोपहर के बज रहे हैं 12। बाबू जा रहे हैं मेरे भाई की दुकान पे। आज सुबह सुबह आम की पेटी खुली है। ये पेटी वो नहीं क्या परसों के व्लॉग में मैंने बताई थी बाबू ने लाए थे, तो आम थोड़े पके नहीं थे तो हम लोग ने साइड में रख दिए थे। बाबू उस दिन भी बोल रहे थे अम्मी के इधर पर लेके जाने का है आम, तो मैंने बोली थी पक जाएंगे तब लेके जाना, तो बस आज पक गए आम। तो फिर बाबू जा रहे हैं मेरे भाई की दुकान पे। मेरे दोनों भाई की एजेंसी है ना, ट्रैवल एजेंसी की शॉप है ना, तो वहीं पे जाते हैं बाबू। तो मैं बोली ठीक है फिर लेके जाओ आम। तो वही हम लोग आम निकाल रहे हैं, ऊपर के सारे आम पक चुके हैं, तो वो मैं भिजा रही हूँ अम्मी के दर पे, और नीचे की आमों में से दो तीन आम पक के हुए हैं, तो काफ़ी है वो हम लोगों के लिए। एक साथ थोड़ी ना खाएँगे, धीरे धीरे पकते रहेगा, धीरे धीरे खाते रहेंगे, है ना। तो चलो आइए आम खाने के लिए। किस किस को खाना है आम? अरे वाह, बहुत सारे लोगों को आम पसंद है, मुझे पता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, है ना। तो चलो आम भी जा देती हूँ। उज्मा भी जा रही है अपने अब्बा के साथ मामू से मिलने के लिए। उज्मा के मामू लोग उसको बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। तो बस अभी वो लोग जा रहे हैं और मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट कर लेती हूँ और पब्लिश पर लगा देती हूँ। जुम्मा के दिन तो 3 बजे आता है मेरा व्लॉग, जैसे कि आप जानते हो। तो अभी मैं डायरेक्ट शाम के वक्त कंटिन्यू कर रही हूँ, 8:30 बज रहे हैं। इतना लेट मुझे इसलिए हुआ व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि बाबू आए, फ्रेश हुए, नमाज़ गए और उसके बाद मेरी नमाज़ हुई, उसके बाद उज़्मा रोना शुरू कर दी, उसकी थोड़ा पैर में शायद दर्द हो रहा था आज। और यहाँ पे उज़्मा खेल रही है। ये जो मेरा आज ना ग्रोफर से सामान आया है ना, तो आपने मेरे हर ग्रोफर के राशन में देखा होगा उसका ये पैकेट होता ही है, तो वो उसी के साथ खेलती है, उसका खिलौना जैसे हो जाता है वो। और यहाँ पे आप जो एक टेबल फ़ैन देख रहे हो, ये मैंने पिछले व्लॉग में बोला था इसको फेंक दूँगी मैं, स्क्रैप कर दूँगी, बंगार वाले को दे दूँगी, क्योंकि ये चल रहा नहीं था। लेकिन वो नौबत नहीं आई क्योंकि बाबू ने इसको ठीक कर दिए तो ये चालू हो गया। तो इससे बहुत बड़ी सहायता हो जा रही है हम लोगों को, हवा अच्छी मिल जा रही है, हम लोग उसके बाजू में ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे उज़्मा को तैयार कर रहे हैं उसके अब्बा, तैयार मतलब सिर्फ चप्पल पहना रहे हैं, क्योंकि अभी अम्मी का फ़ोन आया था कि सुबह में उज़्मा घर पे नहीं आई, मामू की दुकान से ही रिटर्न चले गई है, अब्बा उसको याद कर रहे हैं तो भेज उसको। मैं बोली ठीक है। तो फिर बाबू भी रेडी हो गए, बोले ठीक है मैं उसको लेके जाता हूँ, और क्योंकि वो सुबह से वैसे भी थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी, थोड़ा उसको पैर में दर्द होने की वजह से, तो मैं बोली ठीक है चलो नानी के पास जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी। तो बस अभी उन लोग वहीं जा रहे हैं, आएंगे 1 घंटे में, रिटर्न आ जाएंगे। तो उज़्मा यहाँ पे टाटा बोल रही है, अल्लाह हाफिज़ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं ना? कैसा लगा कल का वीडियो पहले मुझे वो बताओ, अच्छा लगा ना? अक्सर मैंने आप लोग, मैं कहाँ रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। हाँ, और सुबह से मैं अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। सुबह में मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, व्लॉग स्टार्ट किया था, बट अचानक से मैं स्टॉप कर दी। उसके बाद मैंने सारा काम किया घर का, लेकिन व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि उज़्मा कल बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती किया उसने, इसके लिए उसके पैर में थोड़ा दुख रहा था। सुबह से बच्ची मेरी थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी, खाना वीना नहीं खा रही थी, तो सोच रही थी कि मैं उसी के साथ वक्त बिताऊँ, तो इसलिए मैंने उसके साथ वक्त बिताई। फिर उसके बाद मैं सो गई और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे टपर टपर से मेरे बाबा से वो उठ जाए, मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ भी बात नहीं की। देखा ना, अभी आप उसके अब्बा उसको तैयार करके बाहर घुमाने लेके गए। हाँ, और सुबह में बाबू अम्मी के लिए आम लेके जा रहे थे, तो बस इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं की, बस वहीं पर रुक गई उज़्मा की तबीयत की वजह से। तो खैर रही वो बात, और फिर व्लॉग क्या कंटिन्यू करती, कुछ काम ही नहीं है, मैं काम करके बैठी थी, क्या बात करती हूँ आप लोगों से। फिर देखो अब मेरा राशन आया है, जो है वो सही है, राशन आया, मैंने क्या ग्रोफर से जो ऑर्डर की थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सामान मंगाई हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मेरी बेटी का सामान, सब मेरी बेटी का सामान दिखेगा आप लोगों को, सब
बता दी मेरे को, नहीं लाइट का वो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है हाँ ठीक है, लाइट टेस्ट नहीं है, बराबर दिख रही हूँ ना मैं। ये देखो ये है ना उज्मा का पैम्पर है, ये तो हर वो डायपर है, ये तो हर महीने आना है, चाहे उसको पिनाओ या ना पिनाओ, लेकिन भी ला के रखना पड़ता है। कब मैं ज्यादा पिना तो पिनाती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी उसको लूज मोशन लग जाता है ना, तो काम आ जाता है, ये रात भी रात चल जाता है, इसलिए मैं मंगा के रख ही लेती हूँ। फिर उज्मा के लिए बोलने के लिए मेरी बच्ची के लिए होता है, लेकिन बच्ची के लिए नहीं होता है ये वेट वाइप, ये होता है छोटू के लिए। लाइट को क्या हो रहा है? ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है? ये देखो दिख रहा है आप लोगों को फर्क दिख रहा है? ये मेरे को ही दिख रहा है, मैं जब उठा रही हूँ तो लाइट धीमी हो जा रही है, और ये नीचे कर रही हूँ तो लाइट खुली हो जा रही है। अच्छा है तो ये जो है ना ये वाइट वेट वाइट दो मंगाए मैंने, देखो फिर से लाइट धीमी हो गई। तो है ना ये उज्मा के लिए होता है, लेकिन छोटू की पोछने के काम आ जाती है। अरे ये नाजिया जी आपने बोले थे कि घासलेट डाल लेना तो पोटी नहीं करेगा, लेकिन सच में वो घासलेट डालने के बाद भी करता है, करता है वो तो, छोड़ो जहाँ डालते हैं वहाँ नहीं करता है, दूसरी जगह करता है, दूसरी जगह डाली, तीसरी जगह डाली, ऐसे करके करके दूसरी जगह करते गए हो। और एक दिन ऐसा आया जब मैंने सारे घर में डाल दी, अब करने में कुछ मचा नहीं उसको, तो उसने बिस्तर में करना शुरू कर दिया। अब इसका कोई इलाज है तो बता दो। हाँ तो चलो ये हो गई बात, जोक सवाल। तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं ना, नीचे करके एक बार दिखाई देती हूँ मैं क्या सामान। ये देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा मैंने सामान मंगाया है, दिखा देती हूँ मैं। ठीक है और अच्छा ही है। हाँ तो उसमें का मैंने डायपर दिखा दिया और टिश्यू दिखा दिया। अरे कहा है पापा मेरा बच्चे का सामान? और नहीं हाँ ये सेरेलेक मंगाई हूँ उसमें के लिए। ठीक है ये हो गया बच्ची का, और ये बड़ी बच्ची का मतलब मेरा, मैंने ये मंगाई हूँ ग्रोपर से। क्या है ये क्रंची म्यूसली, मैं नहीं खाती हूँ ये सब, लेकिन क्या है ना मैं नाश्ता नहीं करती ना, तो बाबू चिल्लाते रहते नाश्ता नहीं करती, तो कुछ ना कुछ नया मंगाती रहती हूँ नाश्ता करने के लिए, लेकिन फिर भी मंगा तो ली हूँ, लेकिन पता नहीं मैं खाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं होता सुबह सुबह कुछ खाना, मुझे जमता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं मेरी अम्मी के घर से भी सुबह सुबह मेरी अम्मी भी बोलते थे खाया कर, मुझे जमता ही नहीं सुबह सुबह खाने के लिए। और ये मंगाई हूँ मैंने मैक्रोनी, बोले तो पास्ता, कोई जो भी है, मैं तो पास्ता ही बोलती हूँ अभी पता नहीं। ये दो पैकेट मंगाई है, बाबू को अच्छा लगता है ये मैगी, ये पास्ता विस्ता मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, बाबू को भी अच्छा लगता है, तो ये बाबू के लिए मंगाई है ना। और हाँ मेरे को क्या अच्छा लगता है बताओ, मेरे को ये अच्छी लगती सोसाइटी की चाय की पत्ती 1 किलो ये मंगाई है मैंने मेरे लिए। और शक्कर में ना मुझे ये वाली को ग्रोफर की मतलब हैप्पी डे मतलब वो जो ब्रांड है ग्रोफर का उसकी शक्कर नहीं मिली, तो मैंने ये मंगा ली नॉर्मल शक्कर, ये चीनी बहुत पतली है। देखो फिर से मैंने बताई, फिर से मैं कितनी गोरी दिख रही हूँ, ये देखो ये देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छे तो मैंने ये मंगाई है आंटी, ठीक है 3 किलो हो गया। फिर पोहा नाश्ते के लिए बाबू को पोहा, हाँ किसी ने पूछा था पोहा क्या होता है, पोहा ये राइस फ्लेक्स चपटे होते हैं पोहा बोलते हैं इसको, ये है ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, टिकवा नहीं पता दिया, लेकिन पोहा बोलते हैं इसको, पोहा ये नाश्ते में यूज होता है, देख के तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा पोहा किसको बोलते। और फिर मियोनीज का एक पैकेट मंगाई, देखे ना आप लोग सैंडविच बनाने की तो मियोनीज नहीं था घर के अंदर तो ऐसा। और फिर मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है ये दो मंगा ली मैंने, ज्यादा नहीं मंगाई, ये दो ही मंगाई हूँ और ज्यादा कुछ नहीं मंगाई हूँ, मसूर की दाल मंगाई हूँ ज्यादा नहीं है, ये भी आधा किलो ही है। ठीक है मैंने एक्चुअली ना घर में देखा नहीं क्या है क्या नहीं है, बस मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे जो जजमेंट था कि मुझे क्या मंगाना है, बाकी राइस और शक्कर जो तो मैंने मंगाई थी तो नियाज में ही मैंने शक्कर आती उसमें शक्कर डाल दिया तो खत्म ही हो गई है, और तेल तो मैंने पहले ही मंगा लिया था, अभी बाकी जो सामान है वो ये महीने में मंगाऊंगी मैं। तो फिर मैंने ये मंगाई हूँ बादाम, बाबू के लिए जरूरी है, पहले भी मंगाती थी मैं आप लोगों को पता है, लेकिन अभी तो और ज्यादा जरूरी है। ब्लैक किशमिश खाया करो, हड्डी के लिए बहुत अच्छी होती है, बीज वाली खाना बोनलेस,
मजबूती, वो बीज होती है जैसे अनार की ना, वैसे इसकी बीज में भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वो बात अलग है, मुझसे नहीं खाया जाता, मेरे लिए बहुत जरूरी है उसकी बीज, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता बिकॉज ऑफ मेरे टीथ का प्रॉब्लम, बहुत पेन करता है मुझे तो। मतलब जैसे कि अभी मैं समोसा खा रही थी, समोसे से दर्द हो रहा था मुझे मेरे मुंह में, तो फिर मैं वो कहाँ से सील वगैरह खाऊंगी, तो इसलिए मैं ला के रखती हूँ। बच्ची उसमें खा लेती है, बाबू खा लेते हैं, मंगा लेती हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये बारी को मैंने मेरे लिए मंगाई, हाँ एक चीज खा गई, मैं देती दिखाती। फिर मैंने मंगाई माजा की बोतल एज यूजुअल, जूस नहीं मंगाई मैं ये बारी को, जूस बिल्कुल नहीं मंगाई मैंने, जूस मंगाती हूँ ना ट्रॉपिकाना के, मैंने जूस नहीं मंगाई बाबू, मैंने ज्यादा जूस वगैरह नहीं मंगाई इस बारी को। जूस की जगह पर मैंने मंगाया है ये मस्ती छाछ, छाछ है ना, ये मंगा ली है मैंने छह, ताकि उजमा भी पी सके, हम भी पी सके, ठीक है। अगले हफ्ते फिर से मंगा लूंगी, और क्यों मंगाऊंगी मैं वो भी बताती हूँ अगले हफ्ते फिर से। मुझे ये भी इतना सारा एक साथ नहीं मंगाना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करके मंगाना चाहिए था, लेकिन फिर मैं मंगा ली। जा सॉल्ट का पैकेट, जैम, शेजवान चटनी, ठीक है, दालचीनी, दालचीनी मेरे घर में खाई कम जाती है, झाड़ में लगाई जाती जाती है दालचीनी, एंटी फंगस का काम करती है दालचीनी का पाउडर ना, तो वो झाड़ में मेरे रोज प्लांट में, मेरे मोगरे के प्लांट के जो गमले हैं ना, उसमें एंटी फंगस, मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, तो फिर मैं दालचीनी उसमें लगा लेती हूँ, है ना। और फिर मैंने ये मंगाया है क्लिनिक प्लस, मैं पहले लगाती थी ट्रेसेमे, हेयर वॉश करने के लिए ट्रेसेमे यूज कर रही थी, लेकिन दो तीन बार अन्नी के घर गई ना क्लिनिक प्लस ही उसकी जीरत का, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले ली क्लिनिक प्लस, है ना। चलो अच्छी बात है, गुड जॉब ना जो। और फिर मैंने मंगाई दो दही और एक मस्के का पैकेट, चीज मंगाना भूल गई मैं, अभी उसमें भी बोलेंगे बाबू सैंडविच बिना चीज, जब कुछ नहीं होता ना तो कांदा टमाटे का खा लेंगे, और जब एक आध चीज बढ़ जाए ना तो फिर चौथी चीज भी याद आ जाती है। अब देखो उस दिन कुछ नहीं था तो खा लिया शेजवान चटनी और कांदे टमाटे में बने हुआ सैंडविच, और अब मैंने मेयोनीज मंगा ली हूँ तो बोलेंगे अब तू चीज क्यों नहीं मंगाई, एक्चुअली भूल गई मैं, मंगा लूंगी फिर से, हो गया मेरा। और एक पेप्सोडेंट, अब लोग बोल रहे थे मुझे आपके दांत बहुत वाइट है, तो यही तो खासियत है, बचपन से मेरे दांत बहुत वाइट है, बहुत वाइट है मुझे, लेकिन मैं कोई भी टूथपेस्ट से घस लेती हूँ दांत, मुझे वैसा कुछ नहीं, हाँ लेकिन दिन में दो बार घसती हूँ, मेरी डॉक्टर बोलती है दांत निकालने के बाद कोई इतने जोर जोर के घस के दांत घसता है क्या, और मुझे आदत है दांत जोर जोर से घसने की और 10 मिनट घसने की, मैं नाश्ता नहीं करती उतने वक्त में दांत घसती हूँ, इसलिए तो तकलीफ हो रही कि मेरे दांत खराब हो गए, और नहीं तो क्या, खाली आगे से अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से तो भारत में ही जानती हूँ दांतों की है क्या। और मुझे मिला है 1 रुपए में इतना अच्छा गिफ्ट, ये रहा ये लिब्रा, ये लिब्रा के कुल्लड़, कैसे बताऊ मैं आप लोगों को, ये कुल्लड़ है ना, ये देखो ये मैंने ना डीमार्ट से खरीदे थे दो, तो मुझे 40 रुपीज के मिले थे कि 40 का 2 मिला था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे पास तो अभी भी अवेलेबल है, मैं मेरे पास है अभी भी दो है, तो ये मैंने 6 मंगा ली, मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने मंगा ली। अभी आप लोग बोलेंगे कितनी फिजूल खर्चे लिए, कितना फिजूल खर्चे कर दी, नहीं 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 मैं फिजूल खर्चा नहीं करती, पता है ये कैसा मिला मुझे, मैं उस दिन बता रही थी ना जूबियर में क्या करती है ना तो मैंने तो करना छोड़ दी, मेरे पास अभी टाइम नहीं, आप लोगों के कमेंट करने का भी टाइम नहीं हो पाता, लेकिन बोलते ना एक बार कमेंट करने बैठे तो 2 घंटे चले जाते हैं, लेकिन उसने मुझे बोली थी कि ना जाइए ले लेते हैं, तो हम लोग दोनों ने सेम लिंक से ले लिया, तो हम लोगों को 1 रुपए का मिला, 1 रुपए का मतलब 6 मुझे 6 उसको, है ना, लेकिन 500 रुपए की शॉपिंग करना जरूरी हो जाता है, तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि बहन और भी सामान मंगाने वाली है, तो मैंने यहाँ पे ये 3,300 रुपए का सामान मंगाया है, अगर वो मुझे बोलती थी मुझे और भी चीज मंगानी होती तो मैं इसको भी 500-500 में डिवाइड कर देती ना, तो मुझे भी 6 चीज मिल जाती, नहीं तो क्या, एक तो देखो 3,000 पे एक ही फ्री गिफ्ट मिला है मुझे, चाहिए आप लोगों को, किसको चाहिए ये चाहिए भिजा दूं मैं किसी को, हाँ भिजा दूं चाहिए, अरे हाँ मुझे गिव अवे करना था पर मुझे आता नहीं है, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ कैसे करूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो मैं गिव अवे करूंगी, लेकिन मैं कोई मतलब अपने मर्जी से
पता नहीं मैं कौन सा गिव अवे करूंगी, लिपस्टिक कॉस्मेटिक ज्वेलरी शायद नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं ये करूंगी या घरेलू आइटम गिव अवे करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग आइडिया दो मुझे। हाँ अगर इंशाल्लाह मुझे कुछ समझ में आया तो मैं भी कुछ कर लूंगी, है ना। आइडिया तो मुझे आप ही लोग से मिल रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच कि मेरे अभी आज 4300 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी 5000 हो जाएंगे, और आप लोगों की दुआ ऐसी रही तो इंशाल्लाह आगे और भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो फिर बाकी ऐसा कि अभी तो उतना गई है नानी की तरफ पे, मैंने मुझे अभी पानी भरना है बॉटल में, पानी गर्म करके रखा है अंडे में वो गर्म करना है, और अंदर बेडरूम में थोड़े कपड़े धोए थे मैंने वो सूख गए उसको घड़ी करना है, तो बस इतना मैंने राशन मंगाया था जिसको मैं अभी लगा के आती हूँ। ये देखिए माल मोतियों का काम होता है, वो मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी, उसको उल्टा करके वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना तो उसका माल ज़्यादा नहीं झड़ता। काम करते करते एक और बात याद आ गई मुझे आप लोगों से करनी थी। हाँ मैं बार बार ये टॉपिक छेड़ रही हूँ लेकिन इस पर मैं क्लियर बात नहीं कर पा रही थी। आप लोग सब मुझे बहुत बोल रहे हैं नाम लो दी, नाम लो आप ही मेरा नाम लो, आप ही मेरा नाम लो, मेरा नाम लो व्लॉग में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा, इतना आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोग मेरे मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हो, उसके लिए तो बहुत सारा थैंक यू शुक्रिया जजाकल्ला। बट क्या ना डियर, मेरी जगह आके सोचो मैं कितने लोगों के नाम लूँगी वीडियो में, कितने लोगों के, मैं आपका नाम लूँगी आपको तो खुशी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं यहाँ वो वक्त में कुछ ऐसा करूँ कि जिससे सब लोग खुश, समझ रहे हो ना कैसा हो रहा है, पता है मैं कितनों के नाम लूँगी पता है आपको, एक वीडियो के नीचे कितने लोग बोलते हैं मेरा नाम लो, अगर मैं एक का लूँगी दो का लूँगी तो बाकी बुरा मान जाएंगे, और अगर सबका लेने बैठ गई तो पूरे वीडियो में ही नाम लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं चाह रही थी कि मैं नाम लूँगी बट उन लोगों के नाम लूँगी जिनका बर्थडे होगा या एनिवर्सरी होगी, समझ रहे हो आप लोग, मतलब कुछ स्पेशल डे हो उनके लिए, तो आप लोग मुझे दो दिन पहले बोल दीजिए मैं उस दिन आप लोगों का नाम ले लूँगी, विश कर दूँगी। जैसे कि आज 3 मई है तो किसी ने मुझे अभी दो दिन पहले बोला था कि 3 मई, दो दिन पहले नहीं मुझे कल ही, कल के वीडियो पे मतलब कमेंट आया है कि 3 मई को दी मेरा नाम ले लीजिए मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं आज उनका नाम ले लूँगी, लेकिन मतलब ही नहीं आज 3 तारीख है और ये वीडियो आपको 4 तारीख को मिलेगा डियर, दो दिन पहले बता दीजिए मैं नाम ले लूँगी, वो नाम मैं देख के बताती हूँ। हाँ तो समीर कुरैशी जी की आईडी से आया है वो कमेंट, मैं नहीं जानती किसने किया है, लेडीज़ है जेंट्स है मैं नहीं जानती, अगर लेडीज़ है तो भी मुझे उनका नाम तो नहीं पता खैर, लेकिन वो आईडी से आया है कमेंट कि 3 मई को हमारी शादी की एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत मुबारक हो डियर आपकी एनिवर्सरी, आप हमेशा खुश रहे अपनी शादीशुदा लाइफ में, बस अल्लाह से यही दुआ है।
और उज्मा और उज्मा के अब्बा आ गए। ये मेरा बेटा आ गया, आ जाओ ऊपर, आ जा इधर, आ जा मैं शोनू पापा इधर, आ जा मम्मा इधर, जल्दी जल्दी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इतना सारा काजल किसने लगाया? खाला लगाई। इधर आओ, इधर 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 इधर, या आ आ आ आ हाय बोल दो। चलो चलो हाय, अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबले, अरे बाबले, क्या करे मम्मा, प्यार कर रहे हमने को, प्यार कर रहे, बॉल कर रहे बॉल। अच्छा माते पापा पी नहीं दिए हमने को, माते पापा पी नहीं दिए तुमने, नहीं दिए ना, तो आ गए वो अभी अपनी नानी की तरह से। लोग टहलते टहलते वही चले आते, क्या करेंगे, एक ही घर है वही भी चले आते हम लोग। तो ऐसा है, समझ गए ना आप लोग, बुरा मत मानना प्लीज, प्लीज बुरा मत मानना। मैं नाम लूंगी लेकिन कुछ स्पेशल होगा तो जरूर लूंगी, अगर मैं ऐसे ही नाम लूंगी ना तो दूसरों को बुरा लग जाएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मुझे। और एक एक बात, मुझे अभी इतनी आदत नहीं है इतने सारे कमेंट पढ़ने की, इतने सारे कमेंट के आंसर करने की, तो किसी को जल्दी और किसी को लेट हो जाता है। और क्या, अगर हाँ कभी कुछ लंबा मैसेज नहीं कर पाई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, काम में इतनी बिजी रहती हूँ, इतने सारे कमेंट जमा हो जाते कि ना सारे पढ़ के सबको सेम आंसर करने में भी थोड़ी वो हो जाता है, तो फिर अगले दिन का व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो समझ रहे हो आप, मतलब एक ही फोन है, कमेंट का आंसर करूँ क्या, व्लॉग बनाऊँ क्या, करूँ क्या करूँ। तब तक के लिए मैनेज करो, इंशाल्लाह आगे कुछ करते हैं अपन इस चीज़ के लिए, लेकिन तब तक के लिए मैनेज करो। वालेकुम सलाम के लिए मैं भी शॉर्टकट, आमीन के लिए भी शॉर्टकट, सब शॉर्टकट यूज़ करूँगी आगे से मैं, मेरे फीलिंग और मेरे जज्बात शॉर्टकट नहीं होंगे, खाली टाइपिंग शॉर्टकट। इधर इधर अच्छी लगती है, इधर 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 ठीक है, सिर्फ मेरे टाइपिंग शॉर्ट होगी, जज्बात शॉर्ट नहीं होंगे मेरे, ठीक है। और मैं बच्चे मेरे को प्यार कर ले बाबा, अल्लाह हाफिज बोल दो चलो सबको, अल्लाह हाफिज। उसमें खाना खा के आई नानी की तरफ से? नहीं खा के आई, झूठी, खाना खाएगी, बोलो ना खाना खाएगी क्या तुम, खाओ ना बाबा। अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, अच्छा इनको पूछो खाना खाए क्या, पूछो खाना खाए क्या, पूछो ना। शर्म आ गई बाबा, शर्म आ गई। चलो फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, मेरी कोई बात बुरी हो लगी होगी तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाह रही हूँ, बस मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे इतना समझते, थोड़ा और समझना कि बहुत कमेंट आते हैं, नाम लो नाम लो, स्पेशल डे पे लूँगी ना, दो दिन पहले बताना बट, हाँ अभी तीन को, तीन तारीख को, आज ही तीन तारीख है लेकिन उनको कल मिलेगा ये ब्लॉग, क्योंकि मुझे कमेंट ही आज ही मिला या कल रात में किए होंगे उन्होंने, समीर कुरैशी जी, तो हैप्पी एनिवर्सरी। ओके चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपना दुआ, अपने दुआओं में याद रखना, और मेरे ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। उज्मा क्या बोले, अरे क्या बोले, चिकंदी लाइक बोले, अरे उधर बोले लाइक, उधर बोले लाइक, अरे उधर। ये बात अरे मम्मा उधर देखो तो सही, सबको देखो तो सही, सबको देखो तो सही, ऐसा देखो तो सही, अरे वो अरे वो। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़।